हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स माय एकेडमी। सो आज हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम या फिर रियल नंबर जो स्टार्ट हुआ था, उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रियल नंबर्स। इससे पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम लोग रियल नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या है कि रियल नंबर्स और एक उसका अपोजिट होता है एक और नंबर, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दो तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको अभी स्टडी नहीं करना है। दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। ये क्लास 11th में इसके बारे में आपको जानना है। सो टुडे अभी हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि अभी तक आप जो नंबर सुने हैं वो सारा नंबर रियल में आता है। जैसे हो गया कोई भी नंबर, 5, 10, -2, 7, 8, 15, 20, जो भी नंबर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, आप रियल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे थे। इसके बाद जैसे ही आप 10 क्रॉस करेंगे, 11th में जब आप आएंगे, तब आप इमेजिनरी नंबर के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, दिस इज आवर आउट ऑफ सिलेबस। रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होता है पहले आप समझ लो। रियल नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिस नंबर का स्क्वायर करने से नन नेगेटिव मिल जाए। पहले आप इसका डिफाइन लिख लो, फिर हम समझाते हैं। लिखो डिफाइन इसका। रियल नंबर्स इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज नन नेगेटिव। रियल नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज नन नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्क्वायर क्या होना चाहिए, नन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे पहले लेट मी राइट, स्क्वायर इज नन नेगेटिव। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज रियल नंबर, डिफाइन करो आप, तो आप इस लाइन को बोल सकते हैं कि रियल नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिस नंबर का स्क्वायर करने से आपको नन नेगेटिव नंबर मिले। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है आप समझिए ध्यान से। देखो, सबसे पहले ये बताओ आप कि नन नेगेटिव क्या होता है। तो नन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। जैसे देखिएगा, आप एक नंबर लाइन बनाएं, यहां पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह से नंबर सारा यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहां पे क्या है, आप ध्यान देंगे तो ये जो नंबर इधर वाला दिख रहा है आपको, दिस इज योर नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है, ये क्या है, दिस इज योर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। अब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, दिस इज योर जीरो। ठीक है, मतलब एक इस तरह से सेट, जो नंबर का यहाँ पे जो सेट दिख रहा है, इसमें हम लोग इसको तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर। अब अगर मेरे से आपसे सवाल ये है कि नन नेगेटिव किसको बोलते हैं, तो नन नेगेटिव का मतलब ये हुआ नेगेटिव को छोड़ करके। तो नेगेटिव को आप हटा दीजिए इधर से, ये पूरा नेगेटिव वाला हटा दो, नन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने से क्या मिल जाए आपको, या तो जीरो मिल जाए या फिर आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाए। अगर ऐसा होता है तब आप उस नंबर को कहेंगे कि दैट इज रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि ये नोट कर लेना आप, ठीक है, इसको अपने नोट्स में आप लिख लेना और फिर अभी बताते हैं। देखिए, अब एक नंबर आप सोचो, कोई भी ऐसा नंबर सोचो जिसको, जिसके स्क्वायर करने से आपको या तो पॉजिटिव मिल जाए या फिर जीरो मिल जाए। तो देखिए, 4 का स्क्वायर करते हैं, बताओ 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब आप बताओ 16 क्या है, ऑप्शन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, नन ऑफ दिस। सोचिए 16 क्या है, 16 इज योर पॉजिटिव नंबर, प्लस 16 लिखा हुआ है। तो मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने से आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। इट मींस 4 इज
रियल नंबर, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मान लो आप लिख रहे हैं माइनस 2 का स्क्वायर, बताइए माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज 4। अब बताओ ये 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2 इज योर रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसके स्क्वायर करने से क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, माइनस 5 का स्क्वायर। अब बताओ माइनस 5 का स्क्वायर क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25। अब 25 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब माइनस 5 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। एक और 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और 0 भी तो है ना, 0 या फिर क्या बोला गया, पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब कि 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर आपसे कहा जाए कि रियल नंबर का आप एग्जांपल्स दो, तो आप अभी तक जो भी नंबर पढ़ते आ रहे हैं माइनस 2, 1 बाई 2, 3, 5, 7, ये सब जितना भी नंबर्स है ये सारा नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। आप सोचिए 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 मिलेगा, एंड वन सेकेंड 1 बाई 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर, दैट इज वाई इट इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर में देखो आप ये क्या है, ये 1 बाई 2 रेशनल नंबर है, ठीक है। 1 बाई 2 क्या है, रेशनल नंबर। एक बात बताओ, चलो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, रूट 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। या फिर आपको चलिए ये हटाइए, अभी तो आपको पता होगा कि स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करने से आपको पॉजिटिव मिला, दैट इज वाई रूट 2 इज रियल नंबर। समझ में आया, तो इसका मतलब रूट 2 क्या हो गया, रूट 2 भी रियल नंबर के लिस्ट में आ गया। आप सोचिए ये 1 बाई 2 क्या है, 1 बाई 2 आप पढ़े इससे पहले, 1 बाई 2 को रेशनल नंबर भी बोला जाता है। 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या 1 पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। रूट 2 क्या है, रूट 2 इज योर इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर जो है ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर का मतलब हो गया या तो रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। लिखो आप इसको पॉइंट डाल के, लिखो एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज आइदर, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। जो भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल नंबर होगा या फिर वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, या फिर स्टैंडर्ड नहीं, लिखो सिंपली ऐसे रिजल्ट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ रियल नंबर। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है बहुत, मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, डरना नहीं है आपको इसे, बहुत सिंपल चीज़ है जिसके बारे में आपको पहले से ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा इसी को एक्सपेंड करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताओ आप अगर कहीं पे रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, कहीं पे अगर रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा है, या फिर चलो हटाओ अभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी सिखाते हैं आपको, यहाँ पे रूट ए लिखा है और यहाँ पे रूट बी लिखा है, मतलब दो अलग अलग रूट में अगर मल्टीप्लाइड है ना, तो आप इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। मतलब अगर दो अलग अलग छत के नीचे है तो आप समझ लो कि आप दोनों को एक के, मतलब एक ही छत के नीचे ला सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी हो गया। रूट ए इंटू रूट बी कहीं लिखा है, इट मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, ए इंटू बी होल रूट, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी सही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ इम्प्लाइज का साइन दो, है ना, यहाँ से आप ये भी ला सकते हैं या फिर यहाँ से आप ये भी ला सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अगर कहीं पर रूट ए बाई रूट बी लिखा हुआ है, ऊपर में रूट ए नीचे में रूट बी लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरे रूट के अंदर ला सकते हैं, ए बाई बी होल रूट में, और ये दोनों तरफ से सही है। मतलब ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है।
ये दो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है अभी के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो एक और थर्ड नंबर देख लो। अगर कहीं पे रूट ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब अगर कोई नंबर का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट ए इंटू रूट ए दो बार लिखा जाएगा। ठीक है, और दो बार लिखा जाएगा तो इसका आंसर फाइनली ए हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान है ना, अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो समझ जाना कि स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा ए, तो आप ए लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका अगर एक एग्जाम्पल करें तो रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू कुछ ऐसा है, मतलब ये कि अगर कहीं रूट टू इंटू रूट थ्री लिखा है तो आप इसको रूट सिक्स लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री होल रूट के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर तो अगर कहीं पे रूट फाइव बाई रूट टेन लिखा हुआ है तो आप इसको होल रूट में फाइव बाई टेन लिख सकते हैं, और क्योंकि ये कट रहा है तो काट सकते हैं और उसको वन बाई टू होल रूट में लिख सकते हैं। फिर अगर आप चाहेंगे तो इसके हिसाब से ये कर सकते हैं, मतलब रूट ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो रूट वन और बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू हो जाएगा। तो ये भी याद रखना आप कि अगर रूट वन अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, मतलब वन का रूट, तो वन का रूट क्या होता है, वन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आप फिफ्थ नंबर में, अगर कहीं पे रूट ए का स्क्वायर अगर है कहीं ऐसा है, मतलब अंदर में नंबर स्क्वायर है उसका रूट कर रहे हैं, तो फिर से स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कहीं पे अगर मान लो रूट फाइव का स्क्वायर लिखा है, मतलब फाइव का स्क्वायर लिखा है फिर रूट भी लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये फाइव हो जाएगा, क्योंकि फाइव का स्क्वायर क्या होगा, ट्वेंटी फाइव, एंड ट्वेंटी फाइव का फिर आप रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइव मिल जाएगा, वन का रूट तो वन होगा, है ना। चलिए इसका भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो अगर कहीं लिखा है रूट फाइव का होल स्क्वायर, अब आप सोचो रूट फाइव का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि रूट फाइव को आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब रूट फाइव को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक सिंपल फाइव मिलेगा, ओनली फाइव, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया दो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। चलो एक चीज अब ध्यान देना जरा सा, नेक्स्ट इसी में हम लोग सिक्स नंबर समझ लेते हैं। अगर कहीं पे मान लो रूट अंडर एक्स लिखा है, या फिर ऐसे चलो हटाओ, पहले आप बताओ मेरे को एक्स प्लस एक्स कितना होगा, आपको बताना है एक्स प्लस एक्स कितना होगा, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, इसी तरह से आप सोचिए एक्स प्लस एक्स अगर टू एक्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ वन था और यहाँ वन था, तो वन प्लस वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स ही रहेगा वहाँ पर। ठीक है, मतलब समझ लो एक एक्स प्लस एक एक्स दो एक्स। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो 1x plus 2x कितना हो जाता, 3x, no problem, 1x plus 2x is equal to 3x। या फिर मान लो अगर यहाँ पे चलो 5x होता वहाँ 2x होता, तो आप क्या लिखते हैं 5 plus 2 7x हो जाता, मतलब जो यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ है, बस ये कोफिशियंट ऐड हो जा रहा है इसमें, ये ध्यान रखना आप। तो इस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे 2 root 5 plus 3 root 5 लिखा हुआ है, तो सोचो आप इस 5 को रूट 5 को आप x ट्रीट करो, इसको इसको आप समझ लो कि ये x है, ठीक है, और इसको भी आप समझ लो कि x है, तो बताओ 2 प्लस 3 मतलब 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, तो 5x लिखेंगे कि 5 रूट 5 लिखेंगे, तो 5 रूट 5 हो जाएगा, समझ आया बात। ठीक है, इसी तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, इस तरह से प्रॉपर्टी क्या बनाएंगे कि 2 रूट a प्लस 3 रूट ए को आप क्या लिख सकते हैं, देखो रूट ए दोनों सेम चीज़ है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 रूट ए। ठीक है, इस तरह से आप इसका अलजेब्रा कर सकते हैं, मतलब समेशन जो भी है ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, अगर मान लो कहीं पे लिखा है 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7, सोचो क्या होगा, 5 रूट 7 में से 2 रूट 7 अगर हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब समझ लो कि 5x मान लो इसको आप, तो 5x में से अगर 2x को अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 रूट 7 हो जाएगा, समझ में आया, 5x में से अगर 2x घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। मतलब सिंपली हम लोग एलजेब्रा वाला रूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा
मतलब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है आपको, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा एक, ठीक है। फिर देखो, जैसे कि मान लो अगर कहीं लिखा है 5√2 × 2√2, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे 5√2 × 2√2 क्या होगा। देखो 5 कोफिशियंट को कोफिशियंट से आप मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना होगा 10, तो लेट मी राइट 10। फिर आप रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करो। अब देखो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, रूट टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा 2, तो 10 × 2 हो जाएगा, दिस इज योर 20। समझ में आया? तो हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं अभी फिलहाल, इसको नोट कर लो आप, ये आपका टोटल 6 यहाँ तक प्रॉपर्टी हो गया, बाकी ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, पॉज करके आप नोट कर लिया करना हमेशा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लिख लो क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट है 2√3 + 5√3, बताओ कितना होगा, ठीक है। देखो लाइक टर्म ढूंढना है आपको, लाइक टर्म का मतलब रूट थ्री वाला रूट थ्री के साथ, तो 2√3 + 5√3 कितना हो जाएगा, देखो 2 + 5 ऐड कर दो 7, और रूट थ्री जो है वो रूट थ्री रह जाएगा, मतलब 7√3, मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं 2x + 5x दैट इज 7x, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√3 + 5√3 − 7√5 √5, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप कैसे करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक टर्म ढूंढना है, जैसे अगर यहाँ पे रूट थ्री वाला दिख रहा है आपको तो आप रूट थ्री वाला को पकड़ेंगे पहले, तो बताओ 2√3 में से 7√3 चला गया, मतलब 2x में से 7x निकल गया, तो क्या बचेगा −5x, तो आप इसको लिख लो दिस इज −5√3 हो जाएगा। उसके बाद 5√5 + 2√5 कितना हो जाएगा, तो सोचो 5√5 + 2√5 दैट इज 7√5, प्लस में क्योंकि यहाँ भी प्लस, तो दिस इज योर 7√5, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दिस टू आर अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे रूट थ्री है यहाँ पे रूट फाइव है, सो वी कैनॉट ऐड दी, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7√2 + 3√5 कैन वी ऐड इट, क्या हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे, नहीं, बिकॉज ये 7√2 है और ये 3√5 है, बोथ आर अनलाइक टर्म्स, तो जो आपको दिख रहा है वही आपका आंसर हो गया 7√2 + 3√5, दिस इज योर आंसर, वी कैन नॉट चेंज इट, क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका ऐड किसको करना है, 3√2 + 7√3 & 5√2 − 2√3, मतलब ये वाला टर्म को इसके साथ ऐड करना है, तो ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ एंड को हटा कर यहाँ प्लस लिख देंगे, ये सब ब्रैकेट खोल दीजिए आप, ठीक है, हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे आप, लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो 3√2 का एडिशन किसके साथ होगा, 5√2 के साथ, तो कितना हो गया सोचो 3x + 5x दिस इज 8x, तो वी कैन राइट हेयर 8√2, 7√3 में से 2√3 चला गया, दिस इज 5√3, दिस इज योर आंसर, आया समझ में, वेरी सिंपल, नोट कर लो इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऐड 2√2 + 5√3 − 7√5 & 3√3 − √2 + √5, ठीक है, ये एंड ये दोनों को ऐड अप करना है, तो क्या करेंगे आप, ऐड करना है तो सिंपल है, ऐड करना है तो बस एंड को हटा करके फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन डाल, हो गया, अब प्रोसीड कर दो आप, 2√2 √2 वाला ढूंढो आप, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है,
तो टू रूट टू मतलब टू एक्स में से एक एक्स निकल गया, मतलब टू रूट टू में से रूट टू निकल गया, तो सिर्फ एक ही रूट टू बचा ना, तो रूट टू हो जाएगा। फाइव रूट थ्री और रूट थ्री वाला यहाँ पे है, तो फाइव रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री दिस इज एट रूट थ्री, ठीक है। फिर माइनस सेवन रूट फाइव माइनस और प्लस रूट फाइव, अब यहाँ पे सोचिए ये लिखा हुआ, इसको मान लो आपके साथ माइनस सेवन एक्स लिखा है और वो प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स कितना होता है, माइनस सिक्स एक्स, तो दिस इज माइनस सिक्स रूट फाइव हो जाएगा, एक्स की जगह पे रूट फाइव है आपका, समझ में आया। दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड यहाँ पे इसके बाद आप प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज ये जो तीनों दिख रहा है तीनों अनलाइक टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म्स है नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एड टू बाई थ्री रूट सेवन माइनस वन बाई टू रूट टू प्लस सिक्स रूट इलेवन एंड वन बाई थ्री रूट सेवन प्लस थ्री बाई टू रूट टू माइनस रूट इलेवन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। तो वन सेकेंड, ये लिखने के बाद आप अगला में टर्म में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट हटाइएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है प्लस का साइन। अब आपको ढूंढना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो आप ढूंढो लाइक टर्म कौन सा है। सबसे पहले रूट सेवन वाला ढूंढो आप, रूट सेवन यहाँ रूट सेवन यहाँ, तो आप एक काम करो दोनों को एक साथ लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा। टू बाई थ्री रूट सेवन प्लस वन बाई थ्री रूट सेवन लिख लो, एक बॉक्स में बंद कर लो, डन। उसके बाद यहाँ रूट टू वाला दिख रहा है आपको और यहाँ पे रूट टू वाला दिख रहा है, तो आप इन दोनों को साथ में लिख लो, तो ये क्या आपका माइनस वन बाई टू रूट टू और प्लस थ्री बाई टू रूट टू। साइन का ध्यान रखना, प्लस यहाँ लिखे हैं क्योंकि ये आप समझ लो कि यहाँ पैसे लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस यहाँ लिख दिए और इसको मतलब इधर लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। फिर इलेवन वाला एक साथ कर लेते हैं, तो सिक्स रूट इलेवन माइनस रूट इलेवन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो थ्री मिलेगा, तो थ्री मिला तो ये क्या हो जाएगा टू रूट सेवन और ये हो जाएगा रूट सेवन, प्लस यहाँ पे अगर टू एलसीएम लेंगे तो ये हो गया माइनस रूट टू प्लस थ्री रूट टू। फिर यहाँ पे सिक्स रूट इलेवन में से इलेवन रूट इलेवन चला गया, तो दिस इज फाइव रूट इलेवन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू एक्स प्लस एक्स, तो समझ लो थ्री रूट सेवन बाई थ्री प्लस थ्री रूट टू में से रूट टू हटा दो, तो ये हो जाएगा टू रूट टू बाई टू और प्लस फाइव रूट इलेवन। इसमें भी देखो थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा रूट सेवन प्लस रूट टू प्लस फाइव रूट इलेवन, दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, ये सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लिखिए मल्टीप्लाई। अगर माइनस भी रहा तो आप कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर लेंगे, अगर ऐसे बोला जाएगा कि सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, तो आप पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे और माइनस का साइन, फिर अंदर माइनस का साइन अंदर जो ले जाकर साइन जाएंगे तो चेंज कर लेंगे। सिंपल एलजेब्रा वाला रूल लगाना है जो आप एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास एट में पढ़ के आए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए ये एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, अब लिखो आप मल्टीप्लाई, ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई, ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या होगा ये भी आपको हम पहले बताएं। टू रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव अगर लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो कोफिशियंट दिख रहा है आपको रूट फाइव का पहले उसको मल्टीप्लाई करो, तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना हो जाएगा फाइव, तो हो जाएगा फाइव, तो कितना हो गया आंसर, दिस इज थर्टी, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, मान लो कहीं लिखा है फाइव रूट टू इंटू थ्री रूट थ्री, अब इसमें आपको लाइक और अनलाइक से कोई मतलब नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसमें आपको पता है कि फाइव और टू थ्री तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा, और ये रूट टू और रूट थ्री एक साथ अगर मिला देंगे तो रूट टू इंटू रूट थ्री एक ही छत के नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन इंटू रूट अंडर सिक्स, दिस इज फिफ्टीन रूट सिक्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, इसमें आप लिख लो क्वेश्चन नंबर थ्री में थ्री रूट ट्वेंटी एट बाई बाई मतलब इनटू मल्टीप्लाई करना ये बाई दिस वन बाई टू रूट सेवन, ठीक है, अब आप ये मल्टीप्लाई करो
देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं 3√28 इंटू 2√7। थ्री और टू मल्टीप्लाई हो गया 6, और ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 28 इंटू 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 8 56, 6 7 2 40 19, रूट अंडर 196 हो गया 6 इंटू। अब ये 196 किसका रूट है, 196 इज़ द रूट ऑफ, दिस इज 13 14 14, हाँ 14 का रूट होगा ये, ठीक है 24 84 6 14 6 84, आपका आंसर हो गया 84। समझ में, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन तो आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट लिखो आप डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड में आपको क्या है, डिवाइड में आप क्वेश्चन लिखो 5√6 बाई 2, इसको 15√6 बाई 5√2 कर दो आप, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, मतलब 15√6 को डिवाइड करना है किससे, 5√2 से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15√6 बाई 5√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 5 3 15 हो गया, और आपको पता है कि इसको हम लोग पूरे होल में लिख सकते हैं 6/2, दोनों पे रूट है तो एक साथ कर सकते हैं। तो 2 3 कितना हो गया 6, दिस इज 3√3, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ठीक है ऐसे बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो, दिस इज 12√15 बाई 2√3, बनाइए बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बन गया। देखिए 12√15 बाई 2√3, तो 2 6 कितना हो गया 6, और यहाँ से 6 और यहाँ पे हो जाएगा √15/3, दिस इज 6 इंटू √5, दिस इज 6√5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आप लिखो सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि पहले से आपको पता है, मान लो अगर x प्लस 2y लिखा है और यहाँ पे x 2x-3y लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते होंगे, फिर इसके से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई। तो सोचो x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x2, फिर x को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4xy, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y² हो जाएगा। ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, फिर यहाँ से 2x² और ये -3xy + 4xy, दिस इज xy और -6y²। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एलजेब्रा क्लास 8th वाला पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना रहे, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन आप लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन 4 + √2 एंड दिस इज 4 - √2, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4 + √2 एंड 4 - √2। अब देखिए आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 कितना हो गया 16, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 तो ऐसे रह गया। अब यहाँ पे 4 × 1 4 हो जाएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4√2, और यहाँ पे है ही नहीं 1 होगा तो √2 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, और -√2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो दिस इज 16, ये 4√2 और -4√2 कैंसिल हो गया, 16 - 2 दिस इज 14 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे a + b × a - b लिखा है तो आप इसको a² - b² भी लिख सकते हैं, यही आप अलजेब्रा में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अगर आप a + b के फॉर्म में नहीं देखे होंगे तो आप x + y और x - y जरूर देखे होंगे। x + y × x - y = क्या होगा, x² - y², ठीक है। या फिर a² - b² = a + b × a - b आप पढ़े होंगे। a + b² क्या होता है, चलो ये भी लिख देते हैं, a + b² क्या होगा, a² + 2ab और +
बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 प्लस रूट टू लिखा हुआ है, तो इसको आप ये 4 प्लस रूट टू लिखा और ये 4 माइनस रूट टू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लो ये ए है और अगर ये बी है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। तो ये और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे बना सकते थे या फिर इसको हटा के डायरेक्टली आप क्या लिख सकते थे, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है, सो वी कैन राइट 4 स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, दिस इज योर आंसर 14, समझ में आया। चलिए इसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, एक और देखते हैं, लिखेंगे आप क्वेश्चन सेकेंड इज 6 माइनस रूट 6, 6 प्लस रूट 6, ठीक है। देखो 6 माइनस रूट 6, 6 प्लस रूट 6। अब देखिए यहाँ पे यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, आप इसको यहाँ लिख सकते थे, इसको यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3 लिखो आप या 3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है। तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a मतलब 6 का स्क्वायर, बी इसको मतलब रूट 6 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, दिस इज योर 30, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत आसान था, सिंप्लीफाई कोई टफ तो नहीं है, ठीक है। चलो जैसे एक और मान लो लिखा हुआ है रूट टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे करेंगे, अब सोचिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह रूट टू, बी की जगह पे रूट थ्री, और यहाँ प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब रूट टू का स्क्वायर बताओ, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस टू, और यहाँ रूट सिक्स हो जाएगा, फिर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस टू रूट सिक्स, दिस इज योर आंसर, डन, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स जिमेट्रिकली, ठीक है। अब देखिए रूट एक्स से रिलेटेड कोई नंबर्स को अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मतलब है इसका समझ लो आप। आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1D, आप नोट कर लो अभी एक्सरसाइज 1D का, आपको आरएस अग्रवाल, फ्रॉम आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 1D सारा कंप्लीट कर लेना आप, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, आपसे आराम से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1D का एग्जांपल्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों ही आपको कर लेना है, और करके और थोड़ा एक्टिव होकर के आपको ग्रुप में सेंड कर देना है। चलिए रिप्रेजेंट करना है रूट एक्स जैसे नंबर को, जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट 5.2, ठीक है, रूट 5 अगर होता ना तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है। रूट 5.2 कहीं दिया है और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है ज्योमेट्रिकली, तो आप कैसे शो करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो आपको क्या करना है, रूट 5.2 लिखा है ना, तो सबसे पहले अभी रूट आप मत सोचो, पहले क्या करना आपकी एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, जितना यहाँ दिया हुआ रहेगा 5.2 सेंटीमीटर दिया, 5.2 दिया है तो 5.2 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक यूनिट और आगे बढ़ना है, जैसे आप क्या किया है एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पाँच यूनिट और 0.2 यूनिट लिए होंगे, तो जो एक एक यूनिट जो आप लिए हैं वही एक यूनिट और आपको आगे बढ़ जाना है इससे, ठीक है, एक यूनिट और आगे बढ़ना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आया और इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सुनेंगे ध्यान से आप, ए और सी का मतलब ए से लेके बी नहीं, ए से लेके सी तक का आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ए से लेके सिक्स तक कितना सेंटीमीटर हो गया,
ये पूरा हो चुका है 6.2 यूनिट का, ये 5.2 था उसमें 1 यूनिट ऐड हो गया, तो पूरा कितने यूनिट का हो गया 6.2। इस 6.2 का आपको मिडिल टर्म मतलब मिडिल पॉइंट फाइंड करना है, तो मिडिल पॉइंट आप स्केल से फाइंड कर सकते हैं। 6.2 का हाफ कितना होगा 3.1, तो 3.1 आप स्केल से कहीं पे मिडिल में शो कर लेना, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है इसमें, यहाँ पे आपको बाइसेक्ट नहीं करना है, आप अपने स्केल से मिडिल पॉइंट इसका निकाल लीजिएगा। मिडिल पॉइंट जैसा ही मिलेगा तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कंपास का इस पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रखना है और पेंसिल को एक्सटेंड करके यहाँ से यहाँ लाना है और एक ऐसे करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम ओ कह दे रहे हैं, समझ में आया। पहले ए बी लाइन खींचे, एक यूनिट बढ़ाएं, फिर इस पूरे का मिडिल पॉइंट निकाले और यहाँ पे कंपास का निडल रख करके एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये कुछ यूं करना है कि जैसे जो पॉइंट बी मिला, यहाँ पे जो पॉइंट बी था, इस पॉइंट बी पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, मतलब एक लाइन बनाना है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, तो आप इसको प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना पॉइंट दिखा करके और यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट कट करता हुआ मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये काम करना, इस पॉइंट को थोड़ा इसे लाइन एक्सटेंड कर देना, वैसे आपका है सी यही है बट लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देना। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको रखना है कंपास का निडल, पहले आप यहाँ रखे थे ना, अब आपको कंपास का निडल यहाँ रखना है, यहाँ रखेंगे और यहाँ तक एक्सटेंड करके ले जाएंगे, यहाँ तक एक्सटेंड करके यहाँ से एक आर्क बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आप कंपास का निडल रखे होंगे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे कंपास का निडल रखें, यहाँ आपका पेंसिल है, इस तरह से एक आर्क बना देना है, तो ये जब आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको हम अभी ई कह दे रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम अपन डी बोल दे रहे हैं। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक बना है आपका आर्क, तो ये रेडियस हो गया, ये क्वाड्रेंट दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ये रेडियस हो गया, इसका भी रेडियस, ये रेडियस को लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे थे बट अभी इतना ही किए हैं आप, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा, तो ये वैल्यू होगा कितना, ये वैल्यू होगा आपका √5.2, ठीक है, यही वैल्यू होगा आपका √5.2। √5.2 वैल्यू क्या होगा, 1 point something आएगा ये, सॉरी 2 point something आएगा। तो ये वैल्यू √5.2 और ये वाला वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा √5.2, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक दिस नंबर ज्योमेट्रिकली। डेसिमल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे आप इसको समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे है बट हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पे इतना होगा। अब आप इसको स्केल से मेजर कर लो कितना हो रहा है, बात समझ रहे हैं आप। अगर आप स्केल से मेजर कर लेंगे, जैसे ये 1 यूनिट तो कन्फर्म है, इसके बाद इधर भी तो कुछ आया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अगर आपका आया 2.2, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 2.2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है या फिर फाइंड करने के लिए बोल सकता है वैल्यू, कि आप √5.2 का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करेंगे आप, इस तरह से बनाएंगे और इसका वैल्यू स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा, जितना वैल्यू होगा वही हो गया √5.2 का वैल्यू, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देखना दोबारा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज यही तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक होमवर्क आपको कर लेना है, एक्सरसाइज 1D और 1D का आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चन कर लेना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर हम लोग अगले क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे और यही टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेशनलाइजेशन से ही क्वेश्चन आता है, बाकी इससे पहले से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है। एक रिप्रेजेंटेशन वो भी नहीं आता है, रिप्रेजेंट करने के लिए भी नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ से पीछे से पूछेगा तो एक पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, 4, 5, 6 कितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल सकता है आपसे, या फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रेशनलाइज करने वाला। तो अगला क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देख लीजिए आप। देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी आपकी वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहा है ज़्यादा, और इसी की वजह से आपका जो क्लासेस है वो रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका वीडियोस रेगुलर आए, डेली आए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए वीडियोज़ में। मैक्सिमम लोगों से अगर व्यूज़ आएगा तो एक जो फैकल्टी है, फैकल्टी को अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है,
उसके बाद रेगुलर वीडियोस अपडेट होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 299 का जो हमारा कोर्स पैक जो लॉन्च हुआ है अभी, आपको क्या करना है आप ध्यान से 2 मिनट समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अभी हमारा एक वेबसाइट रेडी हो गया है www.itsmycourse.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा 299 रुपीज़ का। इस 299 रुपीज़ में पूरे 1 ईयर तक आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस का भी आपको 299 पे करना पड़ेगा। मतलब जो सब्जेक्ट आपको करना है उसका आपको 299 पे करना है, एंड दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर कंप्लीट 1 ईयर। ये 1 साल के लिए आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि 1 ईयर तक के लिए सिर्फ आप 299 में क्लासेस कर पा रहे हैं। अब आपका यहाँ पे मन में सवाल होगा कि 299 में आपको मिलेगा क्या, तो ध्यान से समझ लीजिए 299 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में क्या आएगा, नोट्स, असाइनमेंट, ठीक है, PDF वगैरह जो भी होगा सारा चीज़ उसी पे अपडेट होगा वेबसाइट पे ही आपको। तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PDF जो भी होता है असाइनमेंट, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोज़ तो कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियोज़ पसंद नहीं आ रहा होगा तो आप कहीं से और देख रहे होंगे, लेकिन वीडियोस देखने से सिर्फ नहीं होता। अगर वीडियोस देखने से ही होता तो फिर क्लास कहीं कोई ज्वाइन ही नहीं करता। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम में कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके पढ़ाई को कोई चेक नहीं कर पा रहा है कि आपका लेवल क्या है। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज किए हैं टेस्ट सीरीज आपका। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर जैसा ही कंप्लीट होगा आपका एक टेस्ट कंडक्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। वो आपको टेस्ट देना है और टेस्ट में आपको एनालाइज करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर लेंगे कि कौन बच्चा अभी कितने लेवल पे पहुंचा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। तो उसी 299 रुपीज़ में आप पूरे 1 ईयर तक टेस्ट दे सकते हैं। अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं आप, अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, ई बुक्स मिलेगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको लाइव क्लासेस का भी फैसिलिटी मिलेगा। अब लाइव क्लासेस क्या होगा और कैसे होगा, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाइव क्लास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइव क्लासेस का फ़ायदा क्या होगा जब लॉकडाउन खत्म ही हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस में हम लोग अब एडवांस पढ़ाई करेंगे। ये बेसिक हमारा क्लास 9th जो हमारा स्कूल लेवल तक था ये था। अब अगर 9th लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब हम लोग लाइव क्लासेस में आएंगे तो हमारा जो लेवल होगा अब हाई लेवल पे जाएंगे हम लोग। मतलब उस बच्चे के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया जिस बच्चे का ये मतलब था कि हमको अब हाई लेवल का पढ़ाई करना है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का तैयारी करना है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम का हो गया, या फिर NTSC लेवल हो गया, NTSC लेवल का तैयारी करना है अगर आपको तो आप कर सकते हैं। कोई ओलंपियाड का तैयारी करना है तो आप कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब हमारा स्पेशली लाइव क्लासेस उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्लास में ये नहीं हो पाता, अलग अलग टाइप का बच्चा क्लासेस बैठा होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का फैसिलिटी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इतने सारे फैसिलिटी आपको अगर 299 में मिल रहा है तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा आपको बता देते हैं, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, लॉकडाउन के बाद ये हमारा जो कोर्स है इसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा 6,000 रुपीज़। आपको 6,000 रुपीज़ पे करके इस कोर्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों लें, तो आपको जब ये सारा चीज़ मिलने लगेगा ना तो फिर आपको फील आएगा कि हमको ले लेना चाहिए था। उस समय आपको पछतावा होगा कि क्यों नहीं हम 299 में ले लिए। दैट इज़ वाई इट्स माई सजेशन, आपको मेरा एडवाइस और सजेशन दोनों है कि आप इसको जितना जल्दी हो सकता है एक्सेस कर लेना, ठीक है। बहुत इजी ऑप्शन है, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ जाना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के हेल्प से आप पूरे 1 ईयर तक एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सारा चीज़। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि 1-2 क्लास के बाद और वीडियोज वेबसाइट पर ही आएगा, तो विद इन 1 से 2-3 दिन के अंदर, मतलब कल स्टार्ट हो जाएगा, तो 1-2 दिन के अंदर में ही आप ट्राई करना कि इस चीज़ को हम ग्रैब कर लें, ताकि अब वीडियोस वेबसाइट पे आएगा, आपको वेबसाइट में ही वीडियोस देखना है, यूट्यूब पे चांसेस कम है वीडियोस का आने का, ठीक है। तो चलिए फिर, वैसे आपको डरना नहीं है, वीडियोस यूट्यूब पे आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पढ़ेंगे, जो लोग दूर का हैं, जो लोग के साथ प्रॉब्लम है,
तो देखिए उन लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको जितना मतलब हो सकता है पॉसिबल उतना आप ट्राई करने का, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पर तो आएगा बट नॉट 100% कंटेंट। और आपको बता दें कि सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता है, वीडियोस के साथ आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट आपको मिलेगा। अभी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बुक से एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए अलग से स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया गया है आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो 299 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो आराम से पे कर सकते हैं। ये एक मोबाइल में रिचार्ज होता है 299 का, 1 मंथ का प्लान है ये, और आप 1 ईयर तक पढ़ाई कर सकते हैं 299 रुपीज़ में। दैट इज़ नॉट ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और थैंक यू।